बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर आप एक नई आईडी को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो आप रुक जाइए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ईमानदारी से और सरल बात करेंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं और आपके CSP पे बहुत ज़्यादा कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही आते हैं और आप परेशान हो चुके हैं अब तक पिछले 6 महीने से, या आपके CSP सेंटर पर आप कितनी भी आईडी परचेस कर चुके हैं, आपने आईडी को परचेस करने की लाइन लगा दी है, अपने डिवाइसेस को चेंज कर दिया है, बहुत सारी डिवाइसेस आपके सेंटर पर आ चुकी हैं, पड़ी हुई हैं, बट कोई काम नहीं कर रही है और वन बाई वन करके आप अपने पैसे को ख़राब करते जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत साबित हो रहा है और कुछ दिन आपकी नई CSP आईडी और नई डिवाइस के थ्रू काम होता है और बंद हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप एक और नई डिवाइस और एक और नई आईडी को परचेस करने का प्लान बना रहे हैं, अब यहां पर आपको रुक जाना होगा क्योंकि आप कोई भी फायदा नहीं है आपकी बार बार किसी भी आईडी को परचेस करने से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड। जब भी आप किसी को कॉन्टेक्ट करते हैं नई आईडी और नई डिवाइस को परचेस करने के लिए, कोई भी आपको कभी भी मना नहीं करेगा, हमेशा आपके लिए आईडी अवेलेबल है, हमेशा आपको मार्केट में कोई ना कोई डिवाइस मिल ही जाएगी, आप बस पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए, यही वाली कहानी हमेशा होती रहेगी। आप बार बार आईडी परचेस करते रहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर आपकी आईडी को बार बार बंद करता रहेगा। सबसे पहले आप अपने खुद के नाम से आईडी परचेस करते हैं, कुछ दिन आईडी चलेगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी वाइफ के नाम से परचेस करेंगे, कोई अपनी मदर के नाम से, कोई फादर, ब्रदर, सिस्टर, यानी कि पूरी फैमिली आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर में इन्वॉल्व कर दी और अभी तक कोई भी नतीजा हासिल नहीं हुआ, तो अब आपको और ज्यादा अपनी फैमिली को ब्लॉक नहीं कराना है बैंक ऑफ बड़ौदा सर्वर पर, क्योंकि यहां पर आपका सबसे बड़ा नुकसान है। किसी भी कंपनी का, किसी भी APS कंपनी का यहां पर कोई भी घाटा नहीं है, आप उसको पे करते हैं, आपकी आईडी बन जाती है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि और ज्यादा आपको अब आईडीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आईडी है वही आईडी आप यूज कीजिए। किसी भी कंपनी के आप APS संचालक हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं है, आप किसी भी कंपनी का APS यूज कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे पड़े हुए हैं तो अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे मत पड़िएगा, आप थोड़ा टेक्निकल, आप थोड़ा स्मार्टनेस को दिखाकर काम कीजिएगा। अगर आपके यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो डाइवर्ट हो जाएं किसी और बैंक में, वहां पर जाकर वो किसी और बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लें, उसके बाद आपके यहां पर ट्रांजैक्शन करने शुरू करें, तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन फिर से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि आपको जब तक कुछ बदलाव करना होगा। अगर आप कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, अपने कस्टमर्स को आपको समझाना होगा, आज आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कितने ही जतन आपने कर लिए, मर्चेंट आईडी आपने ले ली, मर्चेंट आईडी कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ नहीं लेना चाह रहे हैं, बट उससे कोई बिजनेस नहीं होता, क्योंकि 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, उससे आप क्या बिजनेस कर पाएंगे, उसमें बेनिफिट भी नहीं मिलता है, यानी कि आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपका पैसा भी कट जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे ही पड़े रहेंगे तो आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे। आपको बिजनेस करने के लिए कुछ चेंजेस लाने होंगे, कुछ बदलाव लाने होंगे, आपको थोड़ी सी मशक्कत होगी, थोड़ी परेशानी तो होगी कस्टमर्स को कन्विंस करने में, समझाने में, 1-2 मिनट आपका हर कस्टमर पर चला जाएगा अगर आप कस्टमर्स को समझाएंगे, बट आने वाले टाइम में ये जो आपने टाइम स्पेंड करते हैं कस्टमर्स के साथ में उसको समझाने में, ये आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित होगा और हो सकता है कि आपके यहां पर एक दिन के अंदर 150 कस्टमर्स कैश विड्रॉल कराने के लिए आते हैं। उनमें से अगर किसी 50 ग्राहक ने भी अदर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लिया और वो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने अकाउंट को क्लोज करा देते हैं या फिर बैंक में जाकर अपना ATM कार्ड बनवा लेते हैं, तो आपका तो बेनिफिट है ना यहां पर, क्योंकि फिर वो ट्रांजैक्शन आपके थ्रू होने लगेंगे, आप फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा का रोना बंद कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे बिल्कुल भी मत भागिएगा। न्यू आईडी परचेस करने के लिए ये जो काला सच मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आप किसी भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा। डायरेक्टली आप कंपनी में कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई भी कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारे सिस्टम के थ्रू या हमारी आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। हर कोई आपको यही कहेगा कि हाँ बेझिझक आप हमारी आईडी को लेकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और करंट डेट के वो आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करा देंगे, प्रूफ भी दे देंगे आपको और बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल हमारी आईडी से आप ट्रांजैक्शन कीजिए, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अब किसी के भी झांसे में मत फंसना, क्योंकि जब भी आप कोई नए पर्सन के नाम से फ्रेश डॉक्यूमेंट पर आईडी लेते हैं तो आपकी आईडी वो काम करने लगती है। इसमें कोई भी झूठ नहीं है, काम आईडी आपकी करेगी, 15-20 दिन काम करेगी, उसके बाद फिर से आपकी वो आईडी बंद हो जाएगी। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी फिर से आईडी काम नहीं कर पा रही है और पड़ोसी की आईडी काम कर रही है, आप एक बड़ी टेंशन अपने माइंड में ले लेते हैं और फिर परेशान होने लगते हैं अंदर ही अंदर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक टेक्निक से काम करना होगा, आपको एक थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होगी अपने ग्राहक के साथ।
आज की डेट में कोई सा भी गांव हो या कोई सा भी सिटी हो या कोई सा टाउन हो, हर एरिए में मल्टीपल बैंक्स हैं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक जाना है तो वहां देखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा और भी कोई ब्रांच होगी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की दो ऐसी बड़ी बैंकें हैं जहां पर जो हर एरिया में, हर देहात में, हर गांव में, हर क्षेत्र में अवेलेबल है, जहां पर ग्राहक जाकर अपना न्यू अकाउंट ओपन करा सकता है और आसानी से लेन देन कर सकता है, आधार कार्ड के माध्यम से भी, एटीएम कार्ड के माध्यम से भी और आपके सीएसपी पॉइंट के माध्यम से भी, और बैंक जाकर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी किसी भी तरीके की। आपको बस इतना करना होगा कि कस्टमर को थोड़ा सा समझाना है और बताना है अदर बैंक के बारे में, जिससे कि वो अदर बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन कराए और वहां से अपना वो लेन देन करे। बैंक ऑफ बड़ौदा का रोना आपको बंद कर देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों की निकासी करने के लिए यही आपके पास एक ऑप्शन बचा है, जो कि आप इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आपका कस्टमर बेस फिर से बढ़ने लगेगा और आपके यहाँ पर ट्रांजैक्शन फिर से होने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने अपनी पर्सनल एडवाइस आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।